स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपनी रिपोर्ट वगैरह बना रहे होते हैं और किसी को सबमिट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ हाइपरलिंक वगैरह क्रिएट करते हैं, जिससे कि यूज़र्स उन हाइपरलिंक को क्लिक करके कुछ उसका वीडियो या ऑडियो या कुछ भी ऐसा मटेरियल जो कि उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है, उसको क्या करते हैं, दिखा सकते हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को हम अपने डॉक्यूमेंट में अपने डॉक्यूमेंट को बेसिकली दूसरे किसी डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। तो हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस भी टेक्स्ट का हमें हाइपरलिंक बनाना है, उस टेक्स्ट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की दबाएंगे, कंट्रोल प्लस के, यानी कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे और के दबा देंगे, तो क्या होगा, हमारे सामने एक हाइपरलिंक नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहाँ पे हमें यूआरएल डालना है वहाँ का, जो जिसके साथ हमें अपने डॉक्यूमेंट को कनेक्ट करना है। तो कंट्रोल प्लस वी कर देंगे, वहाँ से अपना जो भी होगा यूआरएल वहाँ पे टाइप कर देंगे। तो वहाँ पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद ये इंटरनेट वाला ऑप्शन रहने देंगे और अप्लाई करके ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जो हमने सेलेक्ट किया था डाटा, वहाँ पर हाइपरलिंक बन चुका है। अब इस हाइपरलिंक को अगर हम देखना चाहते हैं कि ये चल भी रहा है या नहीं, तो कंट्रोल की को दबाएंगे और एंटर दबा देंगे। तो ये देखिए, हमारा जो डॉक्यूमेंट था वो इज क्या हो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, है। इस आज हम प्रकार करने की और भी वैल्यूज़ को देखने के लिए, इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए आप देखते रहिए IIT बाय अनुराग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।